पर भी आ सकता है, जी मचला सकता है, थोड़ी देर के लिए उत्तेजना हो सकती है, लेकिन बहुत ही कम लोगों में उल्टी जैसी या कोई अधिक गंभीर समस्या देखी गई है। यानी कि हेलो सचिन कठेरिया जी आइए और अपना सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन सर। बताइए क्या कहना चाहते हैं। आज जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में कर्मा वेलफेयर सोसाइटी द्वारा, जिसके अध्यक्ष हैं हमारी क्षेत्र की डॉक्टर कपूर, रुचि कपूर जी, उन्होंने आज बहुत अच्छा कार्य किया है। रक्तदान महादान का संदेश उन्होंने दिया है। चूँकि महिलाओं का योगदान सृष्टि के रचयिता रचना में एक अहम भूमिका जो है महिलाओं की होती है, उसका आज इन्होंने यहाँ पर एक बड़ा काम करके रक्तदान में, जब महिलाएं पीछे नहीं हैं तो मैं समझता हूँ किसी भी काम में महिलाएं अब पीछे नहीं रहेंगी। आज 21वीं सदी है, इसमें हम सब लोगों को महिलाओं के पीछे अब चलने की जो है धारणा कर लेनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। रक्तदाता को चक्कर भी आ सकता है, जी मचला सकता है, थोड़ी देर के लिए उत्तेजना हो सकती है, लेकिन बहुत ही कम लोगों में उल्टी जैसी या कोई अधिक गंभीर समस्या देखी गई है। यानी कि हेलो सचिन कठेरिया जी आइए और अपना सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन सर। क्या कहना चाहती हूँ मैं। सबसे पहले तो होली के अवसर पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जैसे कि आज महिला दिवस है, महिला सशक्तिकरण, इसका मतलब है कि महिला को खुद का निर्णय लेने में सक्षम होना। आज हमारे भारत में सिर्फ पुरुषों को ही मान सम्मान क्यों दिया जाता है। मैं चाहती हूँ कि जो पुरुष, जो स्त्रियाँ आगे बढ़ना चाहती हैं, तो सब पुरुषों को महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए, ना कि हमारे देश में आज वैसे तो हर क्षेत्र में महिला बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, लेकिन हमारा देश तभी और उन्नति पर आ सकता है जब हर पुरुष हर महिला को प्रोत्साहन करे और हर महिला आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले हर चीज़ में। और महिला सशक्तिकरण पर जैसे ग्रामवासियों में ये होता है कि महिला को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है, तो मैं ये हाथ जोड़कर विनती करूँगी ग्रामीण क्षेत्र से कि महिलाओं को आगे बढ़ने दे, उनके अंदर वो ताकत है जो किसी में नहीं है, क्योंकि एक पुरुष भी औरत की गोद में ही खेलकर बड़ा होता है। तो इसलिए जब हमसे है हम जग से नहीं, तो महिलाओं का आदर करें, सम्मान करें। मैं महिला आज महिला दिवस है इस अवसर पर यही कहना चाहती हूँ। साथियों मेरा नाम डॉक्टर रुचि कपूर है और मैं द कर्मा वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष हूँ। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज महिला दिवस है, 8 मार्च रविवार को हमने लाल बहादुर शास्त्री पार्क में ब्लड डोनेशन का कैंप, रक्तदान शिविर आयोजित किया है महिला दिवस के उपलक्ष्य में। इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता था आज के दिन के उपलक्ष्य में, क्योंकि आज और ये जो योगदान है ये हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए किया है। मैं केवल इतना कहना चाहूँगी कि जिसके पेट में भूख है रोटी उसी के मुँह में डालिए, क्योंकि गरीब इंसान जो है डिस्ट्रिक्ट के अलावा वो कहीं जा नहीं सकता, और कितनी उनकी ज़रूरतें होती हैं ब्लड को लेकर, चाहे वो नारी निकेतन में हो, चाहे HIV पेशेंट्स हो, चाहे आपके प्रिजन में बैठे कैदियों के लिए हो। तो बेमौत उन लोगों को मरने हम नहीं दे सकते, हम अपना जो खून है वो सही जगह इस्तेमाल करेंगे। हालांकि जितने भी बैंक्स हैं ब्लड बैंक सबका यूज़ होता है, बट जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो निम्न वर्ग के लोगों के लिए एक चिराग का काम करता है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाइए और अपना ब्लड का योगदान करिए। आज कितने लोगों ने, और आज कम से कम हमारे अभी तक जो है 20 से 25 लोग हो चुके हैं अभी योगदान करने के लिए वॉलंटरीली। छोटे छोटे बच्चे, इवन की जो युवा पीढ़ी है, बिल्कुल 18-19 साल के बच्चे भी बढ़ चढ़ करके इसमें योगदान ले रहे हैं। लेडीज़ योगदान ले रही हैं कि हमें भी ब्लड डोनेशन करना है। तो ये एक मोटिवेशन है हमारे समाज के लिए, और इसी तरीके से हम सब जब एक साथ मिलकर के समाज के लिए करेंगे तो समाज का बहुत उत्थान होगा। कितने जेंट्स कितने लेडीज ने आज रक्तदान किया है? देखिए क्योंकि अभी चल रहा है, ये कंटिन्यू है, तो ये जब काउंटिंग हो जाएगी उसके बाद ही हम ये डिक्लेयर कर पाते हैं कि कितने जेंट्स कितना जेंडर इसमें वो रहा है। बाकी क्या पुरुष और क्या महिला, खून का रंग तो सबका ही एक है, तो खून से मतलब होना चाहिए कि किसी के काम आ सके हमारा खून। हमारे खून में वो एक दीवानगी होनी चाहिए कि हम किसी के काम आ सकें, सबसे बड़ी बात ये है। बाकी होली के लिए मैं अपने बरेली वासियों को, सब देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि हम सब मिल करके आइए अपने समाज में इसी तरीके से लोगों के बीच जिनको जरूरतें हैं उनकी जिंदगी में इसी तरीके से इंद्रधनुषी रंग, ये नहीं केवल एक लाल रंग का,
लाल रंग का नहीं केवल इंद्रधनुषी रंग इनके जीवन में ऐसी खुशियां हम बटोर करके लाते रहे। मेरी आप सबसे यही चाहती हूँ कि हमारा ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए द कर्मा वेलफेयर सोसाइटी का। और बाकी महिला दिवस के उपलक्ष्य में यूँ तो महिलाओं के लिए सारे ही दिन होते हैं 50-50% इक्वालिटी इक्वेलेंट होना चाहिए महिलाओं के लिए भी समाज, बाकी फिर भी आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं समाज की सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ सबका। और होली के उपलक्ष्य में भी सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, सब अच्छे से खेलिए अपनी आंखों को और सेफ्टी जोन में रह करके होली खेलिए, ये नहीं कि किसी के लिए कुछ नुकसान दे हो जाए। होली सबका त्यौहार अच्छे से मने, खुशी खुशी मने, मैं ऐसी आशा करती हूँ। नमस्कार।